गोरखपुर में रविवार को 24 घंटे के अंदर केवल 34 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,087 पहुंच गया है। इनमें 20,462 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 345 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 280 रह गई है। रविवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 14 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 6 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ और रामगढ़ताल में एक एक, शाहपुर में 2 और कोतवाली थाना क्षेत्र में 4 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 19 नए मरीज मिले हैं। इनमें ब्रह्मपुर, कैंपियरगंज और कोरीराम में एक एक, भटट और खुराबार में 3-3 और चरगावा में 10 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में 1 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।